नमस्कार दोस्तों, पूर्णिया यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है नोटिस। आज की इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप थर्ड मेरिट लिस्ट को चेक करेंगे, ऑफिशियल जो नोटिस अभी अभी जारी किया है इसे कहां से डाउनलोड करेंगे, कैसे समझेंगे कि कब जो है नामांकन कब से कब तक होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या गाइडलाइंस है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में अगर आपका चयन किया गया है थर्ड मेरिट लिस्ट में तो कैसे एडमिशन करवाएंगे, इसका भी प्रक्रिया हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन में ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि आने वाले पूर्णिया यूनिवर्सिटी की जो भी नए अपडेट हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले चेक करने का पूरा प्रोसेस समझिएगा, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे कीजिए। तो सबसे पहले गूगल में आइए, टाइप कर लीजिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी यूजी थर्ड मेरिट लिस्ट 2022 स्टडी एग्जाम 399, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिएगा तो लिंक मिलेगा, सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर देना पूर्णिया यूनिवर्सिटी यूजी थर्ड मेरिट लिस्ट हुआ जारी, यहाँ से चेक करें। 47 मिनट पहले का ये अपडेट है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट studyexam399.com खुलकर आता है। 17 अक्टूबर को यह अपडेट निकल के आया हुआ, देख सकते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट डायरेक्ट लिंक, नामांकन में लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में भी इस वेबसाइट पर बता दिया गया, नामांकन प्रक्रिया भी बताया गया है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको जो है देखने को कलर में देखने को मिलता है पूर्णिया यूनिवर्सिटी थर्ड मेरिट लिस्ट किस तिथि को जारी होगी, कब जारी होगी, कैसे आप नामांकन करवाएंगे अगर आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नामांकन आ जाता है, चयन किया जाता है, तो सारा चीज़ यहाँ पर बता दिया गया। डेट क्या है, तो थर्ड मेरिट लिस्ट का डेट आज का जो है जो कि जारी किया है नोटिस, कल से जो आपका एडमिशन होगा यानी कि कल से ही आप जो अपना नामांकन चेक कर पाएंगे, थर्ड मेरिट लिस्ट का रैंक कार्ड को भी कल से ही डाउनलोड करेंगे। आज सिर्फ नोटिस जारी किया है, इस बात को समझिए। उसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक जो है आप थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपका चयन किया गया, आपने चयनित किए हुए कॉलेज में जाकर नामांकन करवाएंगे 21 अक्टूबर तक, यानी कि आपको 22 अक्टूबर से पहले यानी 21 अक्टूबर से तक जो है आप नामांकन करवा सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस यहां से डाउनलोड करेंगे, हमारे ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी करके आप लोगों को बता दिया गया है, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, यहां पर फॉलो का बटन दिया गया। नीचे आइएगा, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बात किया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में चयन किया जाता, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपने कॉलेज लेके जाइएगा तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो क्या होगा जानते हैं, जब एडमिशन करवाने जाइएगा तो वहाँ पर होता क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता, वेरिफिकेशन में कहेगा कि आप मार्कशीट भूल गए या इंटरमीडिएट का मार्कशीट भूल गए, आधार कार्ड भूल गए या फॉर लेटर भूल गए, तो बार बार आप जाइएगा फोटोकॉपी के स्टेट का दुकान, फिर आइएगा फिर लाइन में लगिएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सारा चीज़ समझ लीजिए तभी जाइए एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर यूजी मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे यहाँ बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया उनको क्या करना है इसके बारे में बताया गया, आप लोग एक बार यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रैंक कार्ड डाउनलोड कैसे करना है इसके बारे में बताया गया कि स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ यहाँ समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाले हैं, वीडियो को यहाँ तक देखें और लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो संबंधित कोई भी आपका सवाल सुझाव हो या आपको वीडियो कैसा लगा। उसके बाद यहाँ पर आप हमारे पीयू का ऑफिशियल ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो हमारे द्वारा ग्रुप का निर्माण किया गया उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं या आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए या डाउनलोड ऑफर लेटर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक नया वेबसाइट खुलेगा कुछ इस प्रकार से, ऑफिशियल वेबसाइट ये है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है पासवर्ड क्या है, पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा, तो पासवर्ड फॉरगेट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद ये नया जो पासवर्ड आपका बना यही पासवर्ड है, देखिए पासवर्ड क्या है यही चीज़ है PASSWORD, पासवर्ड वाले जगह पे यही चीज़ को टाइप कर दीजिएगा, ये यहाँ से कॉपी कीजिएगा इतना ठो और यही चीज़ को आप डाल दीजिएगा यहाँ पासवर्ड वाले जगह पे जाकर यहाँ पे डाल दीजिएगा, पासवर्ड ही पासवर्ड है आपका इस बात की, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा कोड डालिएगा, अब लॉगिन कीजिए, लॉगिन हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से लॉगिन होकर डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा, यहाँ पर जो है आपका कोर्स नाम रहेगा, यहाँ पर यूजी लिखा रहेगा जो वोकेशनल के लिए किए होंगे, वोकेशनल कोर्स लिखा हुआ रहेगा, ये सारा स्टेप जो है ग्रीन होगा, हम आपको पहले ही बता देते हैं क्योंकि इनका फॉर्म इनकम्प्लीट है इसीलिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर जो है
डाउनलोड रैंक कार्ड एक ऑप्शन आ जाएगा। मोबाइल से कर रहे होंगे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा। जी हाँ फ्रेंड, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे में आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर डाउनलोड रैंक कार्ड रजिस्ट्रेशन स्टेप के ठीक यहाँ पर ये सारा कुछ ऑप्शन लिखा रहेगा इस टाइप का, और यहाँ पर डाउनलोड रैंक कार्ड ब्लू कलर में लिखा रहेगा। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। किस टाइप का PDF होगा वो भी दिखा देते हैं आपको। तो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कुछ इस प्रकार से, पुणे यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखा रहेगा, रैंक कार्ड लिखा रहेगा। टाइप हम बता देते हैं इस टाइप से क्योंकि अभी डाउनलोड नहीं हुआ, पुराना वाला हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है UNN नंबर लिखा हुआ रहेगा, रैंक नंबर रहेगा, नेम रहेगा, स्टूडेंट का सारा डिटेल्स रहेगा, फोटो सिग्नेचर के साथ सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ मेंशन रहेगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका जो कॉलेज होगा, ये कॉलेज का यहाँ पर नाम लिखा हुआ रहेगा, कौन सा प्रेफरेंस मिला है। उसके बाद सीरियल नंबर में आपको प्रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा, कौन सा कोर्स के लिए आप अप्लाई किए होंगे, BA, BSc, BCom या वोकेशनल कोर्स के लिए, तो कोर्स का नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑनर्स पेपर का नाम रहेगा, स्टेटस में आपका एलोटेड दिखाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ये जो है आपका कॉन्फिडेंटल जो है एक नंबर रहता है, ये नंबर आपको देखने को मिलता है जो कि गुप्त कोड एक टाइप का होता है, इसको किसी को मत दिखाइएगा तभी आपका एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन का डेट क्लियर रहेगा लिखा हुआ। डेट क्या रहेगा कि 18 अक्टूबर 2022 से लेकर जो है आप 21 अक्टूबर तक आप 2022 तक करवा सकते हैं। यहाँ पर ये वाला डेट पुराना डेट नहीं रहेगा, नया वाला डेट आपका यहाँ लिखा हुआ रहेगा। जब डाउनलोड कीजिएगा देख लीजिएगा इस टाइप का, अगर आपका या ब्लू वाला लिंक पर जब क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ब्लू लिंक जो बोले आएगा क्लिक कीजिएगा तो उस टाइप का दिखेगा। अगर आपका जो है ब्लैंक दिखता है, इन दिस नॉट मेरिट लिस्ट सेलेक्टेड दिखता है, तो आपको स्पॉट एडमिशन का इंतजार करना है। जैसे ही आता है तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको इसकी जानकारी दी जाएगी, या आगे उन सभी छात्र छात्राओं का एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें कमेंट करें। कल से जो आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये वाला लिंक काम करना शुरू हो जाएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट कल से जैसे ही डाउनलोड होना शुरू होता है तो हमारे ग्रुप के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो। वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट सेक्शन में आप में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।